जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, हम लोग आ चुके हैं समानता श्रेणी यानी एपी का पार्ट टू पे आ गए हैं। ठीक है, तो एक क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चलिए, देखिए क्वेश्चन आपका पहला, आपका तो बिना ऑप्शन वाला हो गया, आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन पहला है। इससे पहले हम इसका पार्ट वन बना दिए हैं जिसमें कि आपका बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और यह हमारा जो किस नाबू का सुन चल रहा है लोग जानते हैं। तो सवाल है कि यदि एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। देखिए, सर्वांतर जो होता है यानी कि आपका जो डी होता है यह होता है a2 - a1 होता है। यह हमारा सर्वांतर का सूत्र होता है। ठीक है ना, और यहाँ आपका एपी का सामान्य पद का मतलब हुआ कि आपका an दिया गया है। कितना दिया गया है, यह दिया गया है 3n+5। यह जो है आपका n वहाँ पद दिया गया है। ठीक है, तो जहाँ के हमारा जो n जो होता है n हमारा नेचुरल नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या हो गया। तो चलिए, यहाँ पे धरते हैं, जहाँ पे n है वहाँ पे धरेंगे 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ धरेंगे 1 प्लस यहाँ पे 5 है। तो देखिए ध्यान से, 3 + 3 गुना प्लस 5 है, 3 × 5 कितना हो गया 8। अब निकाल लेते हैं हम लोग क्या a2 निकाल लेते हैं। जहाँ जहाँ पर n है 3 × वहाँ पर धरेंगे हम लोग क्या 2 + 5 3 × 2 आपका हो जाएगा 6 + 5 कितना 5, 6 × 5 कितना हो गया आपका 11 हो गया। अब निकाल लेते हैं सर्वांतर यानी कि डी, यह होता है क्या, यह होता है सूत्र होता है a2 - a1 होता है ना। तो a2 आपका हो गया कितना 11 हो गया, 11 - a1 कितना है आपका, देखिए यहाँ पे 8 है, 8 घट जाएगा तो कितना होगा 8 × 3 = 11 = 3। हमारा यही क्या हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल सी हो जाएगा। एक तो आपके पास ये वाला तरीका है, ठीक है ना, और आपके पास एक तरीका और है जो शॉर्टकट ट्रिक में आता है। ठीक है ना, आपको ट्रिक ही बोलिए, ट्रिक देखिए, आपका सर्वांतर जो होता है ठीक है ना, वह एन का गुणांक होता है। याद रखिएगा, एन का जो गुणांक है वो हमारा क्या होगा, सर्वांतर होगा। डी जो होगा एन का गुणांक होगा, यानी कि सर्वांतर बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब एन वहाँ पर दिया रहेगा, देखिए एन के साथ में क्या गुना है, देखिए एन के साथ में आपका 3 गुणांक रूप में है, इसका मतलब सर्वांतर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल फिक्स है, 100% सही है। ठीक है ना, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी क्या है, 3 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में है क्या, एपी का किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद क्या होगा। छठा पद का मतलब हो गया आपका a6 हो गया, जो दिया गया है आपका छठा पद 13 है, तो छठा पद कितना हो गया, 13 हो गया। इसे लिखेंगे हम लोग a+5d = कितना है, 13 है, इसको बोलेंगे समीकरण पहला। उसके बाद 12वां पद का मतलब हो गया a12 जो कि दिया गया है आपका 25। ठीक है, और हम लोग a12 को लिखते हैं a+11d लिखेंगे, इधर क्या है आपका 25, इक्वेशन हो गया आपका सेकेंड। देखिए ध्यान से, माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो खत्म हो गया हमारा प्लस माइनस ए। तो देखिए यहाँ पे -11 में घट जाएगा +5 हो जाएगा माइनस कितना 6d, इधर घट जाएगा तो आपका 5 में गया तो हो गया 3 × 2 = 5 = 1, यानी कि -12 हो गया, माइनस माइनस यह आपका कट जाएगा, 6 × 6 = 12। तो इसलिए देखिए आपका जो है ना, आपका डी का जो वैल्यू आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने निकाला है 20वां पद ना, तो हमारा सर्वांतर निकल गया। आप निकाल लेते हैं ए का मान, तो यह डी का मान जो 2 आया है ना, इसमें एक एक या 2 किस में बैठा देंगे। ठीक है ना, तो चलिए बैठाते हैं हम समीकरण 1 में, समीकरण 1 से 1 में क्या है हमारा, ए में है 1+5d है बराबर कितना है, 13। तो देखिए a प्लस 5 गुना डी, डी का मान आ गया 2, यहाँ बताते हैं 2 इधर कितना 13, ए प्लस 2 × 5 = 10 बराबर कितना है 13। तो इसलिए a का जो वैल्यू आ जाएगा ना, वो देखिए 13 ई हमारा 10 जो है प्लस में है जा जाएगा माइनस में 10, तो कितना आ जाएगा 10 × 3 = 13 कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से देखते हैं कि हमें a और d का मान निकल गया। ठीक है, अब किसका मान निकालेंगे, लिखेंगे 9। अब निकालना है 20वां पद, 20वां पद का मतलब हो गया a 20
इसका सूत्र होता है ए प्लस उन्नीस डी होता है, ठीक है ना। ए ए का मान देखिए तीन आया है प्लस उन्नीस गुना डी, डी का मान देखिए यहाँ पे आपका दो है, तो तीन प्लस उन्नीस दूनी हो जाएगा अड़तीस, तो हो जाएगा आपका इकतालीस। बीसवां पद कितना आ गया, इकतालीस आ गया, यानी कि आपका आंसर जो है ना ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन, तीन में है एपी का पीवां पद क्यू और क्यूवां पद पी हो तो आरवां पद क्या होगा, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, आपका पीवां पद दिया गया क्यू, पीवां मतलब हो गया ए पी, कितना दिया गया आपका क्यू दिया गया है, एक मिनट था इसको हटा दें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर तीन पढ़ते हैं हम लोग, देखिए तीन तीन है ठीक है, पीवां पद क्यों है, यानी कि पीवां मतलब हो गया ए पीवां पद जो है ना वह क्या है क्यों है, उसके बाद देखिए फिर क्यूवां पद पी है, क्यूवां मतलब हो गया ए क्यू जो है ना, ए क्यूवां पद जो है ना वह कितना है पी है, तो आरवां पद निकालना है। देखिए इसके लिए हम आप लोग जानते हैं ना कि ए एन जो होता है यह होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन, एन का मतलब यहाँ पे देखिए क्यू आपका हो जाएगा एन, यानी पी माइनस वन इंटू डी बराबर क्या है इधर क्यू है, इसको बोल देंगे समीकरण पहला। उसके बाद क्यूवां पद, क्यूवां मतलब हो गया ए प्लस हो गया क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर क्या है पी है, तो लिख देंगे हम क्या पी, इसको बोल देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, ए और ए कट गया, इसमें कॉमन क्या आएगा आपका, इधर सॉल्व करेंगे ना कॉमन हमारा आ जाएगा क्या डी आएगा कॉमन, डी आएगा कॉमन, तो पर में क्या बचा आपका पी माइनस वन, इसको देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्यू और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन बराबर, यहाँ पे देखिए आपका बचा है माइनस पी और ऊपर में बचा है प्लस क्यू, ये बचा हुआ है। देखिए ध्यान से आपका माइनस ए एक और प्लस एक खत्म हो गया, बचा डी इंटू पी माइनस बचा क्या क्यू। अब देखिए इसमें हम कॉमन ले लेते हैं माइनस, माइनस लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा पी माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा आपका माइनस बचेगा क्यू। देखिए आपका पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू आपका जो है एक बार में कट जाएगा, तो इसलिए आपका जो सर्वांतर है इसका मान कितना हो जाएगा माइनस वन आ जाएगा, सर्वांतर आ गया। अब यह मान एक या दो में धर देंगे तो हमारा जो है एक का मान निकल जाएगा, लिखेंगे समीकरण एक से, एक में क्या है हमारा, एक में है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर क्या है क्यू है, ये है ना। तो देखिए ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, इंटू डी का मान माइनस वन है तो लिखेंगे माइनस वन बराबर क्या है क्यू है। तो चलिए ध्यान से ए प्लस देखिए माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस, ए गुना पी आपका हो जाएगा पी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और एक गुना वन आपका हो जाएगा वन, मतलब एक गुना एक वन। चलिए क्यू तो हो गया ना, और कुछ बताया क्या, एक गुना पी हो गया पी, एक गुना एक आपका हो गया एक। चलिए यहाँ से देखिए ए का मान निकाल लेते हैं, ए बराबर देखिए क्या आ जाएगा आपका, इधर प्लस से क्यू है, इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस पी हो जाएगा और ई एक को भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा आपका माइनस में वन हो जाएगा। यहाँ से ए और डी का मान निकल गया, अब निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे आरवां पद, आरवां पद का मतलब हो गया ए आर, जो कि होगा हमारा ए प्लस एन माइनस वन, एन का मान तो आर हो गया ना माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ए ए का मान हमारे पास है क्यू प्लस पी माइनस वन, इधर प्लस
आर माइनस वन इन टू डी, डी का मान कितना है माइनस एक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस वन लिखेंगे। तो क्यू प्लस पी देखिए ध्यान से माइनस वन है, यहाँ देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस एक गुना आठ, तो आर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक गुना एक, तो आपका हो जाएगा एक। देखिए प्लस एक और माइनस एक खत्म हो गया, तो क्या बचा, बच गया क्यू प्लस पी माइनस आर। तो यहाँ से जो है ना हमारा जो निकल गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए पी को आगे कर दीजिए पी प्लस क्यू माइनस आर, कोई दिक्कत नहीं, वही बात हुआ ठीक है ना। ऐसा किस ऑप्शन में है, पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू माइनस आर, पी प्लस क्यू माइनस आर, ऑप्शन क्या है आपका सी में है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ठीक है ना, ज़्यादा तो कुछ है सिर्फ ध्यान से देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चार है, अनुक्रम पाँच सात नौ ग्यारह का कौन सा पद सत्ताईस है, कौन सा पद है मालूम है नहीं, तो चलिए पहले पहला पद निकाल लेते हैं, जो कि पहला पद हमारा हो जाएगा कितना पाँच हो जाएगा, और निकाल लेते हैं सर्वांतर जो कि होता है आपका ए टू माइनस ए वन। देखिए ए टू आपका है सात, ए वन आपका है पाँच, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका दो आ जाएगा। यहाँ से हमारा जो है ना ए और डी का मान निकाल गया, मतलब कौन सा पद सत्ताईस है मालूम तो है नहीं, मान लेते हैं कि माना कि एनवा पद, यानी कि एनवा पद हमारा क्या है वह सत्ताईस है। इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है बराबर कितना है सत्ताईस है। ए का मान देखिए, ए का मान यहाँ पे देखिए आप पांच है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या पांच, एन माइनस वन तो एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना आया है दो आया है, क्या लिख देंगे दो बराबर कितना है इसका सत्ताईस है। तो चलिए पांच पहला देखिए दो गुना एन तो आपका हो जाएगा दो एन, माइनस प्लस माइनस दो गुना एक आपका हो जाएगा दो बराबर कितना है सत्ताईस है। तो टू एन प्लस ये प्लस पांच में घटेगा माइनस दो आपका हो जाएगा प्लस तीन, कितना है सत्ताईस, टू एन बराबर सत्ताईस माइनस तीन तो टू एन बराबर घट जाएगा कितना हो जाएगा चौबीस, चौबीस तो काट देंगे तो बारह दून चौबीस। तो इस प्रकार जो है ना इस प्रकार आपका एन का वैल्यू कितना आ जाएगा बारह, यानी कि बारहवां पद ही हमारा कितना हो जाएगा सत्ताईस आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल सही है। चलिए सवाल है कि पांच में इक्यासी और 1972 के बीच 17 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या है, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि इक्यासी से लेकर 1972 के बीच में कितने ऐसी संख्याएं हैं जो कि 17 से कटती है यानी 17 से विभाजित होती है ठीक है। तो चलिए इसको हम इसका बना लेते हैं एपी, क्या निकाल लेते हैं एपी निकाल लेते हैं, एपी कैसे होगा देखिए ध्यान से, पहला इक्यासी है, क्या इक्यासी में लगता है भाग 17 से, नहीं लगता है, आगे बढ़ेंगे तो होगा बिरासी भाग लगता है 17 से, नहीं लगता है, तिरासी चौरासी पचासी में लग जाता है भाग किससे 17 से, तो हमारा पहला पद कितना हो जाएगा जी पचासी हो जाएगा ठीक है ना। पचासी में फिर 17 जोड़िए आपका हो जाएगा कितना 102, इस तरह से चलेगा, लास्ट में कितना है लास्ट में 1972 है। तो देखिए क्या 1972 17 से खाता है मतलब 17 से कटता है, अगर 17 से कट जाएगा तो हमारा यह अंतिम पद हो जाएगा, नहीं कटेगा तब फिर तो देखा जाएगा। 17 से लगा देते हैं, 17 एकम हो जाएगा 17 दो, 17 एकम हो जाएगा 17 जीरो एक दो, 17 छः एक सौ दो, यानी कि आपका यह कट जाता है, इसका मतलब अंतिम पद हमारा ठीक है 1972 ठीक है। सब यहाँ साथ से कट रहा है, तो यहाँ से आपका पहला पद जो हो गया वह कितना आ गया हमारा पचासी आ गया, और सर्वांतर जो होगा वह होगा ए टू माइनस ए वन, यानी कि ए टू माइनस ए वन होगा, कहने का मतलब हुआ कि 102 में घट जाएगा कितना पचासी, तो आपका कितना बचेगा जी 17 बचेगा ठीक है। तो ए और डी का मान निकल गया, बोलते हैं संख्याओं की संख्या है मतलब कितना ऐसा संख्या है यानी कि 81 और 17 1972 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो कि 17 से कट रही है, तो वो मान लिया मेरा एन है, तो हमारा जो है ना अंतिम पद भी है, अंतिम पद जो है ना ए एन अंतिम पद दिया गया है 1972 कितना 72, सूत्र होता है इसका ए प्लस
एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी होता है, इधर आपको 19 कितना है 72 है। तो ए ए का मान कितना हो गया आपका 85 हो गया, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है 17 है, इधर आपका जो है ना 1972 है। चलिए यहाँ पे आपका है कितना 85 प्लस गुना करेंगे 17 गुना एन आपका हो जाएगा 17 एन माइनस 17 गुना एक आपका हो जाएगा 17, इधर आपका कितना है 1972 है। ठीक है आपका यहाँ पे 17 एन प्लस देखिए 85 में घटेगा कितना 17, तो 15 में गया 7 तो कितना हो गया आपका 8 प्लस में होगा और 7 में गया 1 तो कितना हो गया आपका 6 हो गया, इधर कितना है 1972 है। तो 17 एन बराबर 1972 68 को इधर लाएंगे प्लस से उधर माइनस में 68, तो 17 एन बराबर देखिए ध्यान से, तो 8 4 12 कितना गया 4, 6 में 6 हो गया 0, 9 1, तो इसलिए n बराबर आपका आ जाएगा 1904 बटे कितना 17, 17 से कट रहा है क्या 17 एकम 17, इन्हें डिवाइड करके दिखा देते हैं हमें भी ऐसा ही हो जाएगी 17 एकम हो जाएगा 17 उल्टा कितना आपका 2 0 सॉरी अभी तो भाग लग रहा है 17 एकम फिर 17 3 4 17 दुनी कितना होगा 34, यानी कि यह 112 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा n का मान हमारा 112, यानी मतलब हुआ कि 81 और 1972 के बीच में 112 को ऐसी संख्या है जो 17 से कट रही है, भाई ऑप्शन में कहीं पर नहीं है, कितने मिश्रित कितने होंगे 4 17 एकम 17 हो गया ना 2 17 एकम 17 3 4 17 दुनी 34 है ना, सही तो है फिर क्यों नहीं आया 112 ही होगा ठीक है ना। चलो देख लें इधर 17 5 12 9 1 8 1 ठीक है ठीक है, यहाँ भी ठीक है 85 हो गया 17 एन हो गया फिर माइनस 17 हो गया तो 15 में गया 7 तो कितना हो जाएगा 8 8 हो गया उसके बाद बचा 7 7 में गया 1 बच जाएगा कितना 6 ठीक है, इधर आ जाएगा तो 1972 1972 प्लस जाएगा माइनस में तो हो जाएगा हमारा 12 हो गया 8 हो गया 4 बचा 7 6 6 में गया 6 0 हो गया बचा 19 17 सौ देंगे तो ठीक है इतना ही आंसर होगा 112 होगा ठीक है ना, 112 है कुछ और है ठीक है ना, मेरा जहाँ तक प्रोसेस मेरा बिल्कुल सब चीज ठीक ठाक है ठीक है ना, तो सभी लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा ठीक है ना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बताइएगा कमेंट में कि आपका आंसर क्या आया, लेकिन बनाना है इसी तरह से ठीक है। चलिए आपका है तीन संख्या एपी में है, तीन संख्या एपी में है तथा उनका योग 24 है उनके वर्गो योग 200 है, देखिए इसको आप लॉन्ग तरीका से बना सकते हैं और इस तरीका शॉर्टकट है, तो सिंपल है कि हम ऑप्शन से बना देते हैं, जिनका योग 24 है तो जोड़ेंगे और 24 किस में आता है यानी कि जोड़ने पर होना चाहिए 24 और उनके वर्गों का योग करेंगे ना तो होना चाहिए 200। चलिए पहला ऑप्शन हम जांच करते हैं, ऑप्शन ए को जांच करते हैं ठीक है ना, जोड़ेंगे तो 4 प्लस 8 प्लस 12 12 दूनी 24 तो जोड़ने पर योग तो हमारा 24 आ गया। अब देखते हैं कि वर्गों का योग 200 आता है वर्गों का, तो 4 का वर्ग करेंगे तो होगा 4 चौके 16, उसके बाद 8 का वर्ग करेंगे तो 88 जाएगा 64, फिर प्लस 12 का वर्ग करेंगे तो जाएगा 144, 4 4 8 8 कितना 64 144 देखिए 4 4 8 8 6 हो जाएगा 14, लास्ट में कितना आया देखिए इटू नहीं होगा हमारा 4 4 16 88 64 12 और 144, तो इससे हमारा तो नहीं पड़ा क्योंकि जोड़ेंगे नहीं पड़ेगा 4 4 8 6 14 5 5 6 11 11 1
224 आगे इतने होगा। इस तरह से इसको भी जांच करना पड़ेगा हम लोगों को, ऑप्शन भी जांच कर लेते हैं। 6+8+10 यहाँ तो 24 हो जाएगा जोड़ने पर, और वर्ग करेंगे 36, 88, 64 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 200 पूर्ण होना चाहिए। 6+4+10, 6+3+9+10, 1+2 बिल्कुल हो गया, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए बोलता है क्या, उनका योग तीनों संख्या को जोड़ने पर होना चाहिए 24, तो हमारा आ गया 24। उनके वर्गों का योग, उनको वर्ग करके हम जोड़ दें, कितना आ गया 2 से, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए सीएपी के चार संख्याओं का योग 40 है, ठीक है, और उनके पहली और चौथी संख्या उन्होंने पर 91 है, तो वे संख्याएं क्या है, क्या क्या बोला है, चार संख्या योग 40 है, चलिए जोड़ते हैं किसको 40 पूरता है। 3, 1, 4, 4, 9, 17, 7, 4, 9, 13, 7 हो जाएगा हमारा 20, ठीक है, 3, 3, 1, 4, 4, 40। इस बात हमारा क्या हो गया, योग तो हो गया 40। अब बोलता है क्या, उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए 91। पहली और चौथी गुणनफल कितना, पहली और चौथी गुणनफल 91। तो पहला और चौथा, पहला हमारा हो गया 7 और चौथा हमारा हो गया 13, गुना कर देंगे 13, 7, 91 बिल्कुल मिल गया। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो है ना आंसर ए बिल्कुल सही है। सुनिए ध्यान से, चार संख्याओं का योग 40, मैंने इन चारों को जोड़ा था कितना गया 40, फलासठ हो गया। उसके बाद बोलता है कि उनके पहली और चौथी, मतलब पहला 7 चौथा हो गया 13, गुणनफल पूर्ण चाहिए 91। तो पहला 7 चौथा 13 गुना कर 91 हो गया। इसका मतलब हुआ कि दोनों शर्त हमारा ऑप्शन ए में लागू हो गया, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए इसमें देखिए तो 14 × 6 = 84 नहीं पूरेगा, यहाँ देखिए 19 × 76 नहीं पूरा, 20 × 60 नहीं पूरा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ऐसे ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाइए आपका 8 है। एक एपी के 15 पदों का योग क्या होगा, यानी कि हमें निकालना है एस 15 का वैल्यू निकालना है, जिनके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतना है। प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब हुआ ए दिया गया है कितना 5, अंतिम पद का मतलब हो गया ए एन, यह दिया गया आपका 75 ना। प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है, तो सवाल है क्या कि इसका क्या है जी 15 पदों का योग क्या होगा। चलिए ऐसे जो है ना सीधा ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे करते हैं, डी का मान निकाल लेते हैं। इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 75। देखिए 15 पदों का योग, इसका मतलब हुआ हमारा पद कितना दिया गया है 15 दिया गया है। ए का मान देखिए कितना है 5 प्लस एन का मान तो 15 है माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 75। तो 5 15 गया 1 हुआ 14, 14 गुणा डी हो जाएगा 14 डी बराबर कितना है 75। 14 डी बराबर 75 में घट जाएगा आके इधर 5, 14 डी हो जाएगा कितना 70, 14 × 5 = 70, इसलिए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब निकालना है 15 पदों का योग, यानी कि एस 15 निकालना है, ठीक है, एस एन इसका सूत्र होता है एन बटे 2 2a + n − 1 × d, ठीक है। तो देखिए एस एन का मान हो गया 15, यहाँ पे लिखेंगे 15/2 और 2 × a का मान कितना है, a का मान 5 है, लिखेंगे यहाँ पे 5 + n हो गया 15 − 1 × d, d का मान कितना है 5 है, लिखेंगे 5 15/2 2 × 5 = 10। देखिए यहाँ पे 15 में गया 1 14 14 15 कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, 15/2 गुना जोड़ेंगे तो 70 10 जाएगा 80, डिवाइड करेंगे तो 2 × 8 15 × 60 यानी कि 600 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 600। ऑप्शन क्या है आपका सी है।
और एक तरीका आपके लिए है, क्योंकि यहाँ एनवा पद दिया गया है ना, अंतिम पद आपका दिया गया है, ठीक है। देखिए तो सीधा क्या लिखेंगे, एस एन बराबर जो होगा वो होगा एन बटे टू, तो होगा ही ए प्लस सीधा ए एन कर देंगे, ए एन कर देंगे। अब अंतिम पद दिया गया है, एन का मान तो 15 है बटे दो, आप देखिए ए का मान आपका कितना गया, 5 आ गया है, प्लस ए एन कितना है आपका 75 है, इधर लिख देंगे आप 75, ठीक है। 15 बटे दो गुना 75, 5 हो गया 80, डिवाइड कर लेंगे आपका कितना आ जाएगा 40, 15 चौके 60, 600। आप इतना सब भी बना सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ लॉन्ग प्रोसेस से बता दिए, बाकी यहाँ आप डी का मान भी निकलेगा ना, सीधा यहाँ से यहाँ लाइए, उसके बाद यहाँ आके बना दीजिए, बस हो जाएगा आपका।